टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देहात कोतवाली क्षेत्र से एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची नाबालिग छात्रा एसएसपी को आपबीती सुनाते हुए बेहोश हो गई। आरोप है कि पीड़ित छात्रा के गांव का रहने वाला ही एक दबंग पीड़िता से आए दिन छेड़छाड़ करता है। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने घर में घुसकर पीड़िता से लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। थाना पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ एफआईआर न किए जाने पर पीड़िता आज परिजनों के साथ बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पीड़िता एसएसपी को आपबीती सुना ही रही थी कि पीड़िता को अचानक चक्कर आ गया। पीड़िता के बेहोश होने पर पुलिस ऑफिस में हड़कंप मच गया। पीड़िता के होश में आने पर एसएसपी ने अपने सरकारी वाहन से पीड़िता को घर पहुंचाया। इसके साथ ये घर पर अकेली थी, तो ये हरेंद्र नाम का है उत्तरावली का, तो इनके घर में घुसा, इसके पीछे से कॉली पकड़ ली और इसे बदतमीजी करने लगा और इनके साथ मारपीट शुरू। तो अब आप आए हैं पुलिस ऑफिस, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे एसएसपी साहब ने इनके बयान दिए हैं यहाँ पे और थाना कोतवाली देहात को सूचित कर दिया है कि तुरंत कार्रवाई 354 में इनका मुकदमा लिखा जाए। एक बच्ची जो है लगभग 17-18 साल के आसपास इसकी उम्र है, इसने आरोप लगाया था कि 15 तारीख को इसके साथ घर में घुस के मारपीट किया, छेड़खानी का प्रयास किया था लड़के ने, जिसका नाम हरेंद्र बता रही थी। और आरोप था कि उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम होती है, अक्सर छेड़छाड़ करता है। तो जैसे ही जानकारी हुई, मैंने तत्काल मुकदमा लिखाने का और इसको थाने पर भिजवाया है ताकि अभियोग दर्ज हो जाए, इसका बयान हो और वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही एसएसपी संतोष कुमार ने आरोपियों पर तत्काल एफआईआर कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।